झकड़ लो उस कुत्ते जिक साथ अंदर से लगा पूरी ताकत लगा जोर से सामने दो पन्नी दो लगाओ उसके अंदर तेज इसे आग लगाओ बिस्मिल्लाह शेर वल मगरिब लगा إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فهذا فرعون رسولا فأخذنا قدما بلا فكيف تكون إن كفرتم يوم يجل المد شبثا فرم برحم كان وده مفعولا إنا تذكرة إنا هذه تعرفهم شتخذ الله بسبيله إن ربك يعلم أنك تأخذ ماذا يصدق لي بني سبأ صدقهم قوي الرحيم जाने नहीं देते तो कभी जाने का हुक्म नहीं दिए कहां से पकड़ा था उसको शमशान से कब्रस्तान से जलाओ उधर उसके हाथों में भी तेजी से आग लगाओ हाँ कहां से आराम से देख के जरा लगा पूरी ताकत लगा जोर से झगड़ो उसके हाथों पैरों में जंजीरा डालो और तोड़ने की तैयारी करो उसको मार मार के तोड़ दो पूरा मारो उसको नारा को मारो उसको जंजीरों से मारो कंबखत को मारो उसको जंजीरों से मारो उसको तेजी के साथ में मारो उसको और मारो मारो उसको तेज के साथ मारो उसकी सारी मस्ती जरा उसकी मार मार के नाला की हाँ झगड़ो उसको तेज के साथ में अब उसके दोनों हाथ अकतर लेंगे उसके हाथ काट के बाहर टांग लेंगे काट के ले लू दोनों हाथा वो हाँ क्या मुंडी काट के तेरी बाहर टांग दूं हाँ हाँ या ना जल्दी जवाब दे क्या बोले थे बच्चे को मार दे बोले थे हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कौन जादू किया उस पे कौन किया वो औरत थी अपनी था वो हाँ कौन आदमी औरत कौन थी वो औरत थी आदमी था यही बैगला हाँ कौन था करी करी है कौन है मालूम नहीं कौन होती उसकी माँ की रिश्तेदार है बाप की रिश्तेदार है किधर से रिश्तेदार है नाम नहीं पूछा मैं किधर से रिश्तेदार है पूछा उसके माँ के खानदान से है बाप के खानदान से दोनों तरफ से होती रिश्ते में जादू चलाते वक्त बच्चे का क्या लेके गए थे ये कपड़ा लिए मट्टी लिए चप्पल लिए क्या लिए कपड़ा हाँ काय का कपड़ा था शर्ट का पैंट का
काई का कपड़ा था वो? मुझे मालूम नहीं थे। काई का था? जे? नहीं मालूम। काई सा नहीं मालूम? अब कब मारो बोले थे बच्चे को अम्मास में पुन्नम में? तू जान लेने आया उसकी? हाँ? कैसा मारने का था उसको? बीमारी बदल के एक्सीडेंट करा के? कैसा? जबान से बोल। बीमार? अस्पताल? अस्पताल से मरना? इंजेक्शन ले रहा? इन्हें पैर खाया तक इसे छोड़ता नहीं मैं। क्या हुआ तक नहीं छोड़ता? पैर करे तक इसको माइक। क्या करे तक? इंजेक्शन ले रहा अस्पताल। हाँ, बीमारी बता के मारने वाला। हाँ, हमारे सही तो से इंजेक्शन ले रहा। हाँ, छाते में दर्द इसे। हाँ, छाते में दर्द होना। हाँ, और क्या? और इसी घर से किस किस को मारने वाला था? अम्मा को, बाबा को, बहना भाइयों को, किसको? हाँ, दुश्मनी क्या थी जादू करने की? हाँ, क्यों मारो बोले थे तुझे? क्यों मारो बोले थे? जल्दी टाइम नहीं मेरे पास, काट। इन्हें अच्छा है? हाँ, इन्हें अच्छा है? घर वाले अच्छे? हाँ, सबको हम ये अच्छा है इनका? हाँ, हम ना देखने हरा नहीं। देखने हरा नहीं नको नको क्या नको जोर से जगड़ो उसको तेज साथ जगड़ लो उसको। नहीं चलेगा था सुबह जगड़ो उसको तेज साथ में जगड़ो जगड़ो उसको तेज जगड़ लो उसके हाथों को जगड़ो। अस्पताल इसे खाना नहीं उतर रहा गले में से। तूने उतरन दे रहा था? तू शमशान से आया, कब्रस्तान से आया, तिरो की तरफ लाके छोड़े तुझे। शमशान से, कब्रस्तान से डायरेक्ट जादू चलाए। साई बोल, हाथ मार, जकड़ लो उसके हाथ तेज एक साथ में। फिराओ उसके हाथों को, फिराओ। माफ कर देना। नहीं करता। क्या करूं, टुकड़े कर दूं तेरे हाथ काट के? जकड़ो उसके हाथों को तेज से। हाँ, जकड़ो उसके हाथों को और तेज जकड़ लो। को जकड़ो उसको। हाँ बोल, क्या सुलूक करना तेरे साथ? तुझे मार के देखो, बाटल में डाल के जमीन में गाड़ दूंगा, छोड़ू क्या करना? जलाओ उसके अंदर से तेज से आग लगाओ। الله المسلمون القاسم فعمى الناس لما فاولئك
ساحر مرشد حتاب والله استقام على الطريق قد جاز فرمان قد ظهر سنفه ومن يورز عن ذكر رب المساعدة من المصادر الله شفاء لدن الله أحد أحد من المقام عبد الله يدفاد يكونون ليلي بعد قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد قل إني لا أملك لكم دارا من الله الرشاد قل إني لن يجيرني من الله الغزل من دون الله متحد إلا بلغ من الله إلا بلغ من الله ورسالة نسل الله إلا بلغ من الله ورسالة نسل الله فقل له ما جحنم خالدين في عقل حتى إذا ربك يعلمون من نتك نصر قل أدى عادة قل إن أدري يقرب ما تعدون أم يجيال الله ربي أمد عالم الغيب فلا يذر الغيب أحد إلا ما يطلب من الرسول فإنه يصم من بين يذوم يقف من رصد ليا لمن قد أبلغ صوت رب محاط بمرض ما سقل للشيء ما عد عد नहीं दिस रहा ना हजरत तुम्हें हजरत बचा ले हजरत हजरत बचा ले हजरत हजरत बचा ले हजरत हजरत नहीं करता तोबा हजरत हजरत तोबा नहीं करता हजरत बचा ले हजरत हजरत नहीं करता हजरत बचा ले हजरत हजरत रहम कर दो हजरत नहीं हजरत नहीं करता तोबा नहीं करता माफी कर दो हजरत जोर से बोल अल्टा के बोल मारल्ला बहुत बिटती नहीं हिंदी में बोल करेंगे परेशान दोबारा हाँ या ना जबान से बोल झगड़ो कुत्ते के साथ में बिस्मिल्लाहिर्रहमान कर दूं दो टुकड़े ये लू काट के मुंडी में से तुझे हाँ मुंडी बाहर टांग देता तेरी काट के हाँ करेंगे परेशान तोबा कर जल्दी तोबा कर मुंह पे हाथा मार के तोबा कर मार दोनों हाथा मुंह पे और तोबा बोल बिस्मिल्लाह क्या हजरत क्या तीसरा नहीं हजरत नहीं करता तोबा हजरत नाम बोल दे कौन कर रहा था जादू उसका जल्दी तो तुम छोड़ दिए हां इसका नाम तबरेज पाशा हां इस जादू किसने चलाया वो जोर से बोल हां कौन है वो हां आपस में की औरत है नाम मालूम नहीं जिक्रा नहीं ठीक है तुझे एक मौका देंगे दूसरी चक्कर तक सब नामा याद कर को आना कौन डाले थे कितने लोग आते सारी दास्तान तो तुझे मार के तक कचुम्बर बना दूंगा और तेरे हाथ आपारा काट के बाहर टांग दूंगा और तेरी मुंडी को बाहर टांग दूंगा गेट पे सब कितने लोग आ रहे जा रहे गिनते रहना तुम्हें ना आला करेगा तुम्हारा परेशान चला ये जो दास्तान है ये मसले मसाइला सब अलग अलग किस्म के अमल अमलियात अलग अलग किस्म के वार रहते अभी अंदर आकर बयान कर रहा था कि उसको उन्हें खत्म करने वाला है बीमारियों पे डाल के इंजेक्शन लेने लगा के ऐसा कुछ तो भी बयान करा उसमें रिकॉर्डिंग में सब है उसकी जबानी तो बोलने का मतलब ये है सारे बातों का कंक्लूजन सबका उसका रीजन जो भी दास्तान है वो सब ये मसला है कि इबादत के इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो तो तुम ये सब बलाओं से वबाओं से आफतों से अल्लाह तुमको महफूज रखेगा जादू टोना जिन्ना भूत शैतान चुड़ैल ये सब अलग अलग किस्म के वार रहते और अलग अलग किस्म का जादू टोना रहता बहुत किस्म के उसमें वार है बहुत किस्म के अलग अलग खेल है लेकिन इन सब पे काबिज इन सब से आला अल्लाह का कलाम है इन सब के ऊपर हुकूमत करने वाला सबको जला के राख कर देने वाला अल्लाह का कलाम कलाम इलाही क्योंकि
अल्लाह हर चीज पर खादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन खदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन खदीर, अल्लाह हर चीज पर खादिर है, अल्लाह हर चीज पर खादिर है। और जानदार पे भी हुकूमत करता, बेजान पे भी हुकूमत करता, जिन्नातों को और इंसानों को दोनों को भी अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया था, और दोनों भी इबादत के राह से भटक के शैतान के साथ मिलके मनमानियां कर रहे, जो भी तो सजा तो आखिरत में मिलेगी उनको, दुनिया में भी मिलेंगी। तो इसलिए बेहतर है कि आखिरत का मामूल अच्छे से बनाकर जाओ, ताकि तुम आखिरत को अभी से संवार लेंगे तो तुमको लामहदूद वो जिंदगी के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा, इनामात तुमको मिलेंगे। अहदिना सिरातल मुस्तकीम, यानी कि तुम अल्लाह की राह पर चलेंगे, वो असल राह पर, तो फिर तुमको यकीनन वो इनामात मिलेंगे जो तुम्हारे वास्ते अल्लाह ने रखे आले और जो फरमा दिया। और अभी भी अल्लाह ने तुमको बहुत सारे इनामात दिया, बहुत सारे तुम्हारे को उसके उसका करम है, उसका फजल है कि एक से एक नियामत, एक से एक इनामत रखे ले। और तुम खुदा की कौन कौन सी नियामत को झुठलाओगे, अल्लाह ने सुर रहमान में फरमा दिया। बाकी जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे ठीक, ये मत सोचो कि हमने बहुत पढ़ लिए, हम बहुत भारी हो गए, हम ये हो गए वो गए, नहीं, ये तुम कितने भी भारी हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, तुम इसके नीचे से जादू टोने के लाइन के, ये तुम्हारे सिर पे चढ़ के बैठता, जब चढ़ के बैठ जाएगा ना तो बहुत बुरा आलम हो जाता, तुम बोलेंगे जादू अब भी दिखा दो, जादू को अब भी कर दो, बाटल को हवा में उड़ा दो, ये हवा में उड़ाना जादू नहीं है, वो तुम वो ट्रिका है, वो जो भी है वो उसके अलग अलग खेल है, वो दास्तान उसको जादू में नहीं शुमार करूँ। जादू सबसे खतरनाक बोले तो रूहानियत के ऊपर चलता और किसी को दिखता नहीं, जादू से बीमारी लगा देते, जादू से तबीयत बर्बादी लगा देते, जादू से तुम्हारे काम धंधे नहीं बनने देते, जादू से मियां बीवी में झगड़े लगा कर तलाक़े करा देते, जादू टोने से बच्चे पैदा नहीं होने देते, बच्चे पैदा होते बेटा पैदा नहीं होने देते, बहुत अलग अलग किस्म का उसमें हर वो तरीके का हर वो किस्म का जादू टोना है। जादू टोने से तुम्हारे को वबाओं में घिर लेते, बीमारियों में घिर लेते, अब वो बहुत अजीबोगरीब वार है, उसके अजीबोगरीब खेल है। अल्लाह इसलिए तो फरमाता ना कि कुरान के अंदर के जादू टोने के नज़दीक मत जाओ और वो सीख कर लोगों को परेशान मत करो। चलो सीखने वाले तो शैतान के साथ ही हैं, वो तो सीख कर ही रहेंगे और वो लोगों को परेशान करके रहेंगे, तो फिर अल्लाह उसके चुनिंदा बंदों के हाथ से फैज पहुंचाता फिर, क्योंकि अल्लाह खुद जमीन पर नहीं आता, जमीन पर अल्लाह आएगा तो उसकी शान के खिलाफ है, ये जमीन रूए जमीन ये गैलेक्सियों की किसकी औकात नहीं है कि अल्लाह के नूर को बर्दाश्त कर सकेंगे। अरे क्या ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला के पास एक शख्स आया और आकर फरमाया यहूदी ने कि हजरत अली मुझे तुम्हारा खुदा कैसा है बता दो, तुम्हारा खुदा अगर तुम मुझे बता देंगे तो मैं कल कलमा पढ़ मैं अभी कलमा पढ़ लूंगा। हजरत अली ने देखा कि तू क्या कहना चाह रहा शख्स, तो बोले मैं अल्लाह को देखना चाहता, तू मुझे अल्लाह को दिखा दो मैं कलमा पढ़ लूंगा। हजरत अली ने बोले ठीक है कल आजा दोपहर के वक्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली मेरा दरवाजा है, उमर मेरी छत है, वो सब पढ़ो वाकया तुमको पता चलेंगे हदीसों को। तो वो शख्स ने फरमाया आपने तो फरमा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इल्म का शहर हूँ और अली मेरा दरवाजा है, अल्लाह ने इतना इल्म दिया था हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला। वो शख्स ने कहा कि अली यहूदी ने कहा कि अली मुझे अल्लाह से बिला दो, अल्लाह को बता दो, मैं अल्लाह को देखता हूँ देखूंगा और अब भी कलमा पढ़ लूंगा। तो अली रजी अल्लाह तआला ने बोले ठीक है कल जोहर की नमाज के बाद आ जा, मैं तुझे खुदा को दिखा दूंगा और तू खुदा को देख लेना और देखकर कलमा पढ़ लेना ठीक है। चलो कल आया हूं, कल आया हूं मैं, और आने के बाद में क्या करा वहां पर जोहर की नमाज के बाद पहुंचा उन्हें, तपकी हुई रेत में लेकर गया अपने धूप के अंदर और ले जाकर बोले कि ऐ शख्स वो देख सूरज को, बोले एक बार उसमें नजर जमा चंद लम्हात के लिए। तो वो शख्स ने कहा कि ऐसा कैसा आप कह रहे हो कि मैं सूरज को अगर देखूंगा तो मेरे आंखें अंधे हो जाएंगे। तो फरमाया आपने अरे तू सूरज को नहीं देख सकता कुछ देर तक, तो सूरज को बनाने वाले को क्या देखेगा, बोले नालायक सूरज पर अपनी आंखें नहीं जमा सकता तू, तो उसको बनाने वाले के नूर की तजल्ली को तू कहां से बर्दाश्त कर सकेगा, जब ये नूर इसकी चमक को बर्दाश्त नहीं कर सक रहा। वो शख्स के जहन में बात बैठी, उन्हें ईमान में आ गया, वहीं जगह पर कलमा पढ़ लिया। तो अल्लाह वाले जो रहेंगे, अल्लाह वालों की राह जो रहेंगी, तुम अल्लाह वालों की राह पर चलेंगे, अल्लाह की पटरी पर रहेंगे, तो तुम वो रस्सी को मजबूती से थामेंगे तो बेहतर रहेगा। ये सब जादू टोनों से, वबाओं से, बलाओं से, आफतों से अल्लाह तुमको महफूज रखे बोलकर दुआ करो सजदों के अंदर अल्लाह के सामने, और ये सोचकर खुश मत हो कि आज मेरी नमाज छूट गई, अरे यार मैं कल नमाज पढ़ लूंगा, अभी की छूट गई, अभी नालायक अल्लाह के सामने जाके गिड़गिड़ा और बोल के आज सजदे करने की तौफीक क्यों छीन लिया तूने, आज तूने फजर का सजदा करने नहीं दिया, आज तूने असर का नहीं करने दिया, जोहर का नहीं, मगरिब का नहीं, या अल्लाह हमसे क्या खता हो गई जो हमारे से आज का सजदे मिस हो गए, छूट गए, कजा हो गई नमाज का, ऐसा
खुश मत हो, कजा हो गई, हम बिजी थे दौलत कमाने में, दौलत कमाने में बिजी नहीं था, नाराज तेरे सजदे की तौफीक अता नहीं हुई। क्यों सजदे की तौफीक अता नहीं? अल्लाह के सामने रो और गिड़गिड़ाओ कि अल्लाह सजदों की तौफीक दे, असर की, फजर की, फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, अवाबीन की, तहज्जुद की, चाश की, हर सजदे करने की तौफीक दे अल्लाह। मतूत अल्लाह तुमको सब वबाओं से बलाओं से महफूज रखेगा। नमाज का मतलब ये है कि नमाज में तुम अगर ठहर जाएंगे और वाकई में दिल लगा के ठहर जाएंगे, तुम्हारे रब के साथ तुम्हारा कलाम हो रहा, अल्लाह के साथ तुम बात कर रहे, तुम्हारी मेराज है वो, नालायक हो, तुम्हारी मेराज नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लम की मेराज तो आप सरकार जाकर हूबहू अल्लाह से मिलकर आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी मेराज नमाज में रखे आइए। तुम क्या नमाज पढ़ते टाइम पे दखल, तुम्हारा क्या बोलते हो, सर सजदे में और दिल दखल बाजियों में है, तो कहां से तुम्हारी इबादत कबूल होंगी, कहां से तुम्हारे सजदे करने की तौफीक मिलेंगी। एक इश्क पैदा करो अंदर, जिस्म के अंदर एक इश्क पैदा करो नमाजी। मिसाल के तौर पे खाना खाने के बाद जिसको चाय पीने की आदत होने से तड़पता, चाय होना चाय होना चाय होना देना पड़ता। खाना खाने के बाद किसी को सिगरेट फूकने की आदत होती उन्हें बोलता सिगरेट होना सिगरेट होना सिगरेट होना। किसी को नशा करने की आदत होती उन्हें बोलता नशा होना नशा होना, तो उसको नशा बोलते, तलब बोलते। तो तुम भी अपने अंदर एक ऐसा नशा और एक ऐसा इबादत की तलब पैदा करो। एक 10-15 दिन नमाज तो पढ़ के देखो, 5 टाइम की। तुम अगर फजर की पढ़े तो दिल बोलता जोहर पढ़ना ही, अभी मैंने फजर पढ़ा था, जोहर पढ़े तो असर पढ़ूंगा, असर पढ़े तो मगरिब पढ़ूंगा, मगरिब पढ़े तो ईशा पढ़ने को बेचैन होती, खुद जाकर पढ़ते। और अगर तुम नमाजें एक टाइम की पढ़ रहे दो टाइम की छोड़ दे रहे, तो फिर तुम्हारा कंटिन्यू सिर पूरा टारगेट नहीं होता और दिल दिमाग भी तुम्हारा उधर जाता नहीं। इसलिए एक तलब पैदा करो, तलब इबादत की, बाद में तुम्हारे इबादत की तलब ऐसी हो जाती कि तुम्हारा खाने में दिल दिमाग नहीं लगता, पीने में दिल दिमाग नहीं लगता, घूमने में दिल दिमाग नहीं लगता, कहीं में खाली इबादत 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 के टाइम पे, क्योंकि नशा होता। और वैसा तुमको नशा अगर होगा इबादत का तो उसको बोलते इल्लल्लाह का नशा, और तुम इल्लल्लाह के नशे के अंदर घर खोजेंगे डूब जाएंगे, तुम्हारी दुनिया भी बन गई आखिरत भी बन गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मुर्दार है और कुत्ते उसके तालिब है। तुम दुनिया के पीछे अगर भाग रहे तो सरकार ने फरमा दिया कि दुनिया मुर्दार है और कुत्ते उसकी तलब रखते, यानी कि हम कुत्ते नहीं है, हम आखिरत की तलब रखेंगे, हम अल्लाह वाले मोमिन बंदे बनेंगे। और अगर दुनिया के पीछे भागेंगे तो यकीनन तुम कुत्ते हैं, क्योंकि सरकार ने फरमा दिया हदीस के अंदर दुनिया मुर्दार है कुत्ते उसके तालिब है। इसलिए कुत्ते मत बनो, अल्लाह वाले बनो, इबादत करने वाले बनो, इबादत की राह को मजबूती से थाम के चलने वाले बनो। फिरकों में बढ़ जा रहे जगह जगह फिरके तुम्हारे बांटने के आस्ते बटाले, अपने अल्लाह तुम्हारे सबके ईमान की हिफाजत करे, दीन और ईमान की। क्योंकि देखो ये दौर ऐसा फितना अंगेज, फितना रंगेज दौर चल रहा कि जिसकी हद नहीं, ऐसा फटका दे रहे पटरियों पे से, एकदम गुमराह कर दे रहे। अल्लाह तुम कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, कुरान और हदीस की रस्सी को मजबूती से थामो। हदीस पढ़ो, बुखारी पढ़ो, तिर्मिज़ी पढ़ो, अबू दाऊद पढ़ो, जो तुमको मिलता हो पढ़ो और पढ़ के समझो। और बुजुर्गाने दीन की भी क्या ताकत रखा अल्लाह ने वो देखो, अल्लाह वालों की क्या ताकत रखा अल्लाह ने वो देखो। इल्मे मूसा अलग है, इल्मे खिजर अलग है, इल्मे सुलेमान बिन दाऊद अलग रखा अल्लाह ने, पैगम्बरों का इल्म है। और इल्मे आसिफ बिन बरखिया वो इल्म जो रखा अल्लाह ने, वो अल्लाह वालों का, बुजुर्गाने दीनों का इल्म है। तरीकत अलग है, शरीयत अलग है इन सब पर, मगर तुम्हारे को हर बात का राज तुम्हारे पे नहीं खोला जाता ना, इसलिए तुम्हारे शरीयत दिया ली है। और शरीयत बुजुर्गाने दीन पे कैसी अलग है, वली अल्लाहों पे अलग है, तो आम जनता पे अलग है, बहुत फर्क है। तुम्हारा आलिम नहीं जान सकता ये बातों को, आलिमियत में और वलायत में जमीन और आसमान का फर्क है। आलिमियत जरा पढ़ लो कुरान से भी समझ में आएगा कि मूसा अलैहि सलाम जब गए थे खिजर अलैहि सलाम से मिलने, तो वही तो मूसा पे आती थी, फिर खिजरों को कैसे बातें पता चल जा रहे थे सब, डायरेक्ट इसको कत्ल कर दो, छेद कर दो नाव में, वहां तो वही नाजिल नहीं हो रही थी, वही तो शरीयत पे नाजिल होती, जो शरीयत मूसा अलैहि सलाम लेके आए उन्होंने पैगंबर पर, फिर पैगंबर शरीयत बताते अल्लाह की तरफ से, फिर इधर कौन सी शरीयत लागू थी इल्मे खिज्र अलैहि सलाम पर। तो ये अल्लाह के वलियों का इल्म है, और अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने अलग इल्म अता करे। अल्लाह फरमा दे मारो उसको ना, और मारो उसको जकड़ के तेजी के साथ। ये जो लग्याला है, लग्याला नहीं है, खुद ब खुद अगर लग्याली बलाड़ दी थी तो उसको एक मिनट में खींच के बाहर निकाल देते, इसके दिमाग की तरफ चढ़ के जादी जाके बैठी और कुछ दवा उसके अंदर भीन गया ये शरीर के अंदर। मेरे को सारे बात मालूम रहते, ये शैताना और इंसाना दोनों मिलके कुछ भी बोले मैं सुन लेता, मगर सुन के मेरे को सब मालूम था, मेरे को बोलने का हुक्म नहीं है तो क्या हुआ, मगर मेरे को पता तो सब है ना। उसके दिमाग में कुछ चढ़ के बैठ गया लिए और कुछ शरीर के अंदर भीन गया लिए, और वो लगा हुआ नहीं है, वो लाकर छोड़ा हुआ है। लगा हुआ रहता तो अब भी उसको पकड़ के कैद कर देते थे कि मैडम, इसको आजाद कर देते थे, लड़के को छोड़ देते थे।
इंसान को मिल जाता था और शैतान को आजादी मिल जाती थी, उसको भी कैद करके इधर से आजाद कर देते थे। लेकिन ये लाकर पैदा करके छोड़े वाला है, जिसको शमशान जागरूक, जिसको खबरस्तान जागरूक और उठाना बोलते, तो वैसे किस्म के अमल याद रहते, ये सब अलग अलग है, उसमें जिन्नात अलग है, शैतान अलग है, चुड़ैल अलग है, वैसे किस्म में गिला के कोई बला छोड़े आ रही, और वो जो बला है तो उसको अंदर ही अंदर 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 गला गला के खत्म करने की तैयारी कर रही, और वो बला को पकड़ने गए तो सटक जाती, वो बाद में अगर निकाल भी दिए उसको पकड़ कर बोले जा चले जाती, वो बंद फिर अंदर की दवा पूरी बस की चलती। इसलिए बेहतर है कि अंदर की दवा को खत्म कर देना पड़ता, दवा खून के अंदर दिमाग के अंदर नसों के अंदर ये सब जाल बन के फैल के घूमता, तो इसको खत्म करने के लिए जिक्र अस्कार इबादतें ज्यादा से ज्यादा करना पड़ता, इबादतें और ये सब चीजें, इस पे फिर अल्लाह का नूर अंदर से जाके सब चीजों को खत्म कर देता जला के रहा। तो बहुत सारे बाल से बारीक थेरियां हैं, बाल से बारीक बातें, मगर तुम लोगों में इन शॉर्ट में सारे बातों का कंक्लूजन सबका निचोड़ सबका एक ही बात बताता हूँ मैं तुमको, कि वो है इबादत की राह मजबूती से थाम लो। तुम्हारा दिल अगर पाक हो जाएगा तो तुम किसी पे हसद जलन भी नहीं रखेंगे, और तुम अल्लाह से, और अल्लाह से जब तुम कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत पे ठान लेता, और जब अल्लाह हिफाजत पे ठान लेता तो फिर कोई तुम्हारे को सातों जमीन और आसमान मिलकर जहमत नहीं दे सकता। याद रखना, अल्लाह जिसकी हिफाजत की ठानता फिर उसको पूरी दुनिया मिलके भी उसको गिरा नहीं सकती, और अल्लाह जिसको गिराना चाहे उसको पूरी दुनिया मिलके भी नहीं उठा सकती। अल्लाह की ताकत है, बता दिया अल्लाह ने सब सुन लोगों को, तुम्हारे आला तुम्हारे अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर खातिर है, इन तुम्हारे जानदार पे भी हुकूमत करता, तुम्हारे बेजान पे भी हुकूमत करता, हर चीज अल्लाह के मातहत है। सारे वो सब क्या बयान करूं, सब बातें तो तुमको पता है, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। कहां से आए थे, कौन से गांव से? बेंगलोर। चलो।